बीच में बारिश वारिश हुई थी, वो ओवरवोल्ट वगैरह की वजह से ख़राब हुआ है ये। उसका ख़राब होने पे मतलब पूरा 1.5 महीने ही आया सीधे सीधे अपने पास। जब फर्स्ट टाइम चेक किया तो इसका तो फ्यूज़ जल गया था। दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है ये रहा, इसका फ्यूज़ पूरी तरह से देख जल गया है। मतलब कि क्या हुआ है, ओवर वोल्ट गया है, हाई वोल्ट आगे शॉर्ट और कुछ हुआ है, इस वजह से ये जला है। तो और ये पुराना वाला कुछ फायदा वो थोड़ा सा गंदा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पेश वेश वगैरह लगे रहता है तो निकल जाता है। तो हुआ कि अब ये तो गया था सांस। अब जैसे फ्यूज़ भी मैंने लगा लिया और अपने पास क्या सीरीज वाला लगा हुआ है बल्ब, उसमें जैसे ही पावर लगाता था एकदम लाइट कंटिन्यू फुल हाई जल रहा था। मतलब कि 100% मेरा आगे के निपट से या तो शॉर्ट या तो ओवरलोड ले रहा है। तो ऐसे केस में चेक किया तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमारा ब्रिज डायोड का बना हुआ है ना, सप्लाई कैसे इनपुट करते हैं यहाँ से, ये हमारा कॉइल, ये दोनों कॉइल है, ये दोनों कैपेसिटर हैं, ठीक रेजिस्टेंस है, बड़े वाले फिल्टर कैपेसिटर डले हुए हैं, ये सारे अपने ट्रांसफार्मर से। तो सबसे पहले चेक किया ब्रिज डायोड तो कहीं मेरा शॉर्ट नहीं है, इसमें मेरा कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिला, ठीक। और फिर चेक करने के बाद मेरे को जो मिला वो बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ये दो चीज़ मिला, दो डायोड ख़राब। चेक कैसे किया तो यहाँ पे ये ज़ीनर डायोड के तौर पे लगा हुआ था, तो ये शॉर्ट कैसे, तो यहाँ तक पहुँचा कैसे वो भी बताता हूँ। तो ये अरे शॉर्ट, अभी दिखा रहा है शॉर्ट, डायवर्ट में बीप नहीं आ रहा है, नहीं डायवर्ट में बीप नहीं आना चाहिए अभी भी, कोई भी डायोड ठीक डायोड में बीप नहीं आना चाहिए। दूसरा अगर डायोड रेंज में चेक करो तो जीरो नहीं आना चाहिए उसका वैल्यू, पर्टिकुलर इसका सब डायोड का अपना अपना वैल्यू रहता है समझ लेते, मिनिमम मान के चलो 300 से 600 के बीच में तो वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा वो, ठीक। तो ये देखा ये दोनों शॉर्ट थे, ये दोनों है कहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो ये ज़ीनर डायोड का सिंबल बना हुआ है, ये दोनों डायोड जो है ये ख़राब था। ये डायोड जो है लगा है ओवरऑल प्रोटेक्शन के तौर पर लगा हुआ है ये, और इसका एक पिन जो है वो ग्राउंड है। कैसे पता चला, तो जैसे अगर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा ये साइड पॉजिटिव, ये प्लस रखा है ना, ये देखो प्लस लिखा है, ये नीचे माइनस है, तो मतलब कंफर्म मेरा यहाँ पे ग्राउंड होगा। इसमें रख के चेक किया कहाँ पे, तो ये रखा और जैसे ये देखो है ना क्या हो रहा है, ये ग्राउंड दे रहा है दोनों डायोड का एक साइड। मतलब क्या है, ये ग्राउंडिंग के साथ ही लगा हुआ है प्रोटेक्शन, जैसे ओवरऑल प्रोटेक्शन वगैरह में लगता है ना उस तरह का लगा हुआ है ये। तो शॉर्टिंग पहले चेक किया तो मेरा कहाँ था, यहाँ पर डायरेक्ट तो यहाँ नहीं पहुँचा था मैं, ये तो बहुत बाद में पहुँचा। पहले क्या कि ये चेक किया कि मेरा ब्रिज रेक्टिफायर तो शॉर्ट नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पर जो चार डायोड लगा है वो क्या करता है एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उसके बाद ये फिल्टर कैपेसिटर। तो यहाँ पे चेक किया तो मेरा ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है ये भी मेरे को शॉर्ट आ रहा था उसमें, तो ये सब शॉर्टिंग वॉर्टिंग हटाने के लिए। अब यहाँ शॉर्ट है मतलब कंफर्म तो नहीं था, पूरे बोर्ड में शॉर्ट हो गए, तो यहाँ शॉर्ट दिखा रहा था। और जैसे अगर मैं देखूँ तो मेरे से ये वाला ये कैपेसिटर है भी ना, ये अजीब से थोड़ा शेप का है लेकिन भी कैपेसिटर है, देखो ये भी कैपेसिटर यहाँ पर मेरे अभी नहीं है, उस टाइम शॉर्ट आ रहा था ठीक। और कहाँ पे मेरे को मिल गया शॉर्टिंग, तो जैसे चेक किया तो यहाँ डायोड और से तो सब सही लग रहा था, ये दो डायोड यहाँ पे मेरे को शॉर्ट आ रहा था, जैसे कि ये दोनों वाला डायोड। तो एक बार फिर मेरे को कंफर्म करना था कि चलो डायोड ही ख़राब है कुछ और प्रॉब्लम करती, तो जैसे ये वाली जो मेरी मॉस्फेट लगी बड़ी वाली ठीक, ये यहाँ पे ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट दिखा रहा था। जैसे जब चेक किया तो पहले तो इसको बाहर निकाला, उसके बाद चेक किया तो इसका ट्रैक ही शॉर्ट था, मॉस्फेट ठीक था, पॉसिबल कैसे तरीके से अपना एक शॉर्ट निकलता है। तो इसके शॉर्ट होने की वजह से हमारा जैसे हायर एम्पियर बताया था कि अपना एलईडी जो जल रहा सीरीज में अगर लगा हो तो सीरीज़ बहुत सेफ तरीके से चेक करने का शॉर्ट सर्किट वाला, तो हमारा क्या था ये शॉर्ट दिखा रहा था बाहर निकालने के बाद, मॉस्फेट सही था मतलब ये बाहर निकालने के बाद क्लियर हो गया, लेकिन एक ट्रैक अभी भी शॉर्ट था हमारा। तो ऐसी चेक करने के बाद जब देखा तो उनको ये दोनों डाउट यही दोनों बस शॉर्ट मिला मेरे को, निकाल के हाँ इन दोनों को निकाल के देखा ना, तो ये पहला ये शॉर्ट निकला, उसके बाद फिर इसको चिक्की ये भी शॉर्ट दिखा रहा था, इसको भी निकाल के देखा, जब दोनों को रिमूव किया तो दोनों का क्या शॉर्टिंग यहाँ पे क्लियर हो गई।
यहाँ से भी क्लियर हो गया शॉटिंग, यहाँ तक शॉटिंग भी क्लियर हो गया, और एक दो जगह जैसे कैपेसिटर वगैरह वहाँ भी जो दिखा रहा था वो भी अपना क्लियर हो गया शॉट। तो ये अपना, तो ये हमारा डायोड SMPS में से मिल गया, पुराना खराब वाले SMPS में से, उसमें से इसमें डाल दिया एनोड कैथोड देख करके, देख के तो अभी ये बराबर शॉटिंग वोटिंग क्लियर हो गया है। फ्यूज़ नया डालना पड़ा, तो फ्यूज़ नया डाल दिए, अभी चालू करें तो बराबर ही ओके हो गया है। अभी कोई डिस्प्ले की वजह से इसमें चेक करा देता हूँ। अब ये फ्यूज फूटेगा, लग गया हमारा बराबर, बोर्ड फिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये LED यहाँ पे चलना चाहिए, तो सबसे पहले मैं तो सीरीज़ में ही लगा के चेक करता हूँ। ये अपना सीरीज़ वाला पॉइंट है, तो ये ऑन करने पे ठीक यहाँ पे दिखा LED जल गया है, LED ग्लो हो रहा है। अब अगर इसको ये थोड़ा एक बार ये ऑन ऑफ होगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नॉर्मल में लगाना है, तो ये चेकिंग के लिए था। अगर शॉर्ट होता तो कंटिन्यू जलने लगता वो, तो अपना वो डाउट तो क्लियर हो गया। अब इसको नॉर्मल देते हैं, पावर आ गया, अभी नॉर्मल सप्लाई में लगा दिया इसको। अब इसको पावर बटन, ऑन हो गया। यहाँ पर साइड से LED ये जलता दिख रहा है, और नीचे से अपने को लास्ट वाले पावर, कोई नहीं चलिए यहाँ पे आ गया, इसको देख लेते हैं। रुक जा, पहले नट वट लगाने दो उसको। ऑन हो गया है, ऑन हो गया था, ऑन हो गया है ना, ऑन हो गया था। इसको नट वट लगा के फिर अच्छे से और चेक कर लेते हैं। अब ये रहा इसका पावर वाला बटन, थोड़ा समय लगता है सभी चार्ज करने में। वो डिस्प्ले आया कि नहीं आया, आगे बराबर HDMI दिख रहा है, ये जो बराबर थोड़ी देर और चला वाला अच्छे से देख लेंगे। प्रॉब्लम कैसा था समझ में आया, किस वजह से प्रॉब्लम हो, क्या क्या चीज़ चेक की अपन। तो सर बहुत इजी प्रॉब्लम था ये, बट अगर वहाँ पर तो नहीं पहुँचते, सही से चेक नहीं करते, फिर लंबा चौड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।